प्यारे बच्चों, वर्क पावर एनर्जी टॉपिक चल रहा है। वर्क पावर एनर्जी टॉपिक हम लोगों ने एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी फिनिश हो गया था, वर्क एनर्जी थ्योरम भी फिनिश हो गया था। पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH भी हम लोग पढ़े थे। अब बेटा जो हम लोग को पढ़ना है, देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है या एक्सटेंड किया जाता है तो स्प्रिंग पे वर्क किया जाता है और वही वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो व्हेन कंप्रेशन और एक्सटेंशन टेक्स प्लेस इन ए स्प्रिंग देन वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग। उस समय स्प्रिंग पे वर्क डन होता है और वही वर्क डन बेटा उसमें एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्प्रिंग का लेंथ ज़्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, स्प्रिंग का लेंथ कम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा। और याद कर रखना कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन से जो लेंथ बढ़ता है तो इसके वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होता। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होता है स्प्रिंग के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होता है स्प्रिंग को कट करने से। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि स्प्रिंग को डिवाइड कर दो और कहेगा डिवाइड कर दिया, आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो चलो आसान है। नहीं, कहेगा कि एक स्प्रिंग को इस तरह से कट किया कि एक लेंथ और दूसरा लेंथ, एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़े वाले पार्ट का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बताओ, छोटे वाले पार्ट का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो स्प्रिंग आज स्टार्ट हो रहा है, स्प्रिंग का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, फिर स्प्रिंग को कट करने वाले भी क्वेश्चन कराएंगे। यही सब इस टॉपिक में पढ़ना है। इसके बाद से फिर नया टॉपिक आ जाएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है, फिर आ जाएगा रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन देन रोटेशनल मोशन। इफ एक्सटेंशन यानी स्प्रिंग को खींचना और कंप्रेशन यानी स्प्रिंग को इसे दबा देना, कंप्रेस कर देना, इफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज प्रोड्यूस्ड इन ए स्प्रिंग देन work is done on the spring। उस समय spring पे work किया जाता है। Work is done on the spring। Then that work done is stored in form of energy in the spring। Spring में energy के form में store होता है। Which is known as potential energy of spring। इसी को स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, और इसी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। तुम खींचे हुए स्प्रिंग को किसी के पास ले जाओ तो बड़ा तेज से दूर भागेगा, कह रहे कहीं छूट गया तो चोट लग जाएगा, तो समझ जाता है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है क्योंकि वर्क किया गया है उसके ऊपर। अगेन जैसे ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है
रिजिड सपोर्ट अब क्या है कि एक स्प्रिंग जैसे यहां पर है तो कि ये एक स्प्रिंग है देख रहे हो स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ एल नॉट कहलाता है नेचुरल लेंथ एल नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के होता है ये अपने नेचुरल लेंथ में है इस समय कोई एनर्जी इसमें स्टोर नहीं है अब क्या कि इसमें खींच दिए इसको इधर से फोर्स लगा के अब खींच रहे हो खींचोगे तो एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा खींचोगे तो एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा और अब एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा तो ये इसका इनिशियल डायग्राम है अब इसका देखो फाइनल डायग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें इधर बंधा है स्प्रिंग इधर से फोर्स लगा रहे हैं हम लोग तो फोर्स लगाने से अब इसमें देखो एक्सटेंशन क्रिएट हो रहा है एक्सटेंशन क्या लगाया गया है फोर्स तो एक्सटेंशन क्रिएट हो रहा है तो जितना अब लेंथ इसका बढ़ेगा देख लो एक्स इसका लेंथ इंक्रीज कर गया इलांगेशन क्रिएट हो गया इलांगेशन तो इसी को बोलता है एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग दैट इज इलांगेशन इलांगेशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग ये क्या कहलाता है बेटा इलांगेशन कहलाता है देखो इलांगेशन एक्सटेंशन अब यहां एनर्जी देखो स्टोर हो गया क्योंकि वर्क किया गया इसमें और जानते हो कितना एनर्जी स्टोर होती है हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इंटू एक्स स्क्वायर तो इतने इसमें एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है और पहले भी अभी भी के है तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन से याद रखना कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन से कभी भी स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होता अच्छा बताओ इस पे फोर्स इधर लगाया गया है ऐसे खींचा गया है तो तुमको महसूस होगा इसको खींचोगे तो महसूस होगा कि स्प्रिंग भी तुमको खींच रहा है तो तुम अगर स्प्रिंग को खींचे हुए हो तो स्प्रिंग भी तुमको खींचेगा तो स्प्रिंग जो खींचेगा वो कहलाएगा रिस्टोरिंग फोर्स ठीक है तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है देखो इधर लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है रिस्टोरिंग फोर्स का अब बताओ ये रिजिड सपोर्ट है रिजिड सपोर्ट दो डायग्राम बनाने के लिए हमेशा कर रहे हैं क्योंकि यहां दो डायग्राम बनाना है स्प्रिंग का एक इनिशियल और एक फाइनल ये इनिशियल फिगर है यहां फाइनल देखो ये एक स्प्रिंग है स्प्रिंग का ये है नेचुरल लेंथ स्प्रिंग कांस्टेंट के अब तुम क्या करो फोर्स इधर से लगाओ जब इधर से फोर्स लगाओगे तो ये कंप्रेस होगा और वर्क करना पड़ेगा अभी भी एनर्जी स्टोर होगी तो जब इधर से फोर्स लगाओगे तो ये कंप्रेस होकर के इस तरह से हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा इसी को बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स इधर से लगाया गया ऐसे तो ये अपने इस लेंथ से इतना कंप्रेस हो गया एक्स तो एक्स इज यहां पे एक्स कंप्रेशन है वो था एक्सटेंशन अब आ गया कंप्रेशन स्प्रिंग कांस्टेंट पहले भी के था अभी भी के रहेगा अभी भी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई कितनी हाफ के एक्स स्क्वायर कुछ क्लियर हुआ तो एनर्जी स्टोर बेटा एक्सटेंशन में भी होता है और कंप्रेशन में भी होता है इसमें रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगेगा इधर फोर्स लगाए हो ना तो तुमको लगेगा स्प्रिंग तुमको उधर से पुश कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है रिस्टोरिंग फोर्स ठीक बेटा
मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। अगेन तो नया टर्म आ गया देखो, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो स्प्रिंग को उसके इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटेंशन और कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ही ज्यादा एक्सटेंशन या कंप्रेशन क्रिएट करोगे, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं? ऐसा फोर्स स्प्रिंग का जो स्प्रिंग के अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ला दे, नेचुरल लेंथ में ला दे, दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन। देख रहे हो, जितना ही ज्यादा एक्स क्रिएट करोगे उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो यह आ गया रिस्टोरिंग फोर्स अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्स के जस्ट अपोजिट होगा रिस्टोरिंग फोर्स। ध्यान दो, रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद माइनस साइन। देख रहे हो, एक्स इधर है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, एक्स इधर है रिस्टोरिंग फोर्स इधर है। तो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो माइनस है, एक कांस्टेंट के आएगा। देखो तो यही रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है, माइनस के एक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के इंटू एक्स, माइनस के एक्स इज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक बेटा, तो माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू के एक्स होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर के इंटू एक्स होगा। एंड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जैसे तुम स्प्रिंग को खींचे हुए हो, खींच के इसे रखे हुए हो, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अप्लाइड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर होते हैं, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स विद माइनस साइन। रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे विद माइनस साइन, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ।
इस तरह से देखा जाए तो अप्लाइड फोर्स बराबर माइनस रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू के एक्स, के इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू अपान एक्स। देख रहे हो यही है के, कौन सा कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट होगा न्यूटन, न्यूटन पर मीटर इसका देखो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, इसका डायमेंशन होगा देखो न्यूटन का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, अब पर मीटर यानी एल, एल कट गया एम टी माइनस टू, तो इसका डायमेंशन होता है एम टी माइनस टू, इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका जो डायमेंशन होता है वो सरफेस टेंशन के डायमेंशन के बराबर होता है, सेम एज डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन तुम निकाल के देख लो और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन सेम होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट या इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। ये केवल किस पे डिपेंड होता है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पर डिपेंड होता है, कंप्रेशन एक्सटेंशन से स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होता, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पर डिपेंड है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, देखो एल नॉट के इनवर्सली होता है, बड़े स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, छोटे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है, इसलिए स्प्रिंग को जब कट कर दिया जाता है तब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए अलग से हम लोग स्प्रिंग को कट करना भी सीखेंगे, स्प्रिंग को कट करके न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना सीखेंगे। अगेन एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू के एक्स, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसलिए इसमें ग्राफ प्लॉट कर लो एक्स में और एफ में, तो क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको यहां ड्रा कर दो तो ये इंडिकेट करेगा एक्स को, ये इंडिकेट करेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड को, इसका एरिया फाइंड कर लो, तो सबको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है, तो क्या फाइंड करें, एरिया बाउंडेड, इसका एरिया बाउंडेड ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट हाफ बेस होगा एक्स हाइट होगा एफ यह आ गया हाफ एक्स और यह बराबर के एक्स कितना आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर और एरिया बाउंडेड देगा वर्क डन इट इज वर्क डन ऑन द स्प्रिंग ये स्प्रिंग का वर्क डन होगा और यही होगा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इसलिए आ गया वर्क डन इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जूल इसका यूनिट होगा। अब चूंकि देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स पर कैसे डिपेंड है एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर क्वाड्रेटिक इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ देखा जाए तो जब एक्सटेंशन होगा देखो एक्सटेंशन होगा तभी भी एनर्जी बढ़ेगा और जब कंप्रेशन होगा तभी भी एनर्जी बढ़ेगा और ग्राफ कैसा होगा देखो u इज लीनियर और x इज क्वाड्रेटिक ग्राफ पैराबोला होगा और हम बताए हैं कि पैराबोला जाता किधर है जिधर लीनियर होता है तो लीनियर कौन है u लीनियर है x क्वाड्रेटिक है इसलिए ग्राफ देखो u की तरफ ऐसे जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का u के ही जैसे बनता है ग्राफ इसको देखो u से रिप्रेजेंट भी करते हैं और u के जैसे ग्राफ भी बनता है पोटेंशियल एनर्जी इज u इट्स ग्राफ इज ऑल्सो यू ये हो गया पैराबोलिक ग्राफ ठीक है बेटा तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ के एक्स स्क्वायर कंप्रेशन एक्सटेंशन रिस्टोरिंग फोर्स ग्राफ ये सब फिनिश हो गया। अब बस इस पर हम लोग को बेटा क्वेश्चन केवल करना है स्प्रिंग पे क्वेश्चन करना है जब क्वेश्चन कर लेंगे तब स्प्रिंग को कट भी करेंगे और इक्वल पार्ट अनइक्वल पार्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये अनइक्वल पार्ट में एक छोटा बड़ा कट कर देगा कहेगा छोटे पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ बड़े पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये याद रखना। अब अगले लेक्चर में हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे आज कंप्लीट थ्योरी बता दिए स्प्रिंग का अगले लेक्चर में कंप्लीट पे बेटा क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों वर्क पावर एनर्जी टॉपिक इस समय चल रहा है। वर्क पावर एनर्जी टॉपिक में स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट जब हमने बतला दिया था कि स्प्रिंग को जब कंप्रेशन या एक्सटेंशन करते हैं तो स्प्रिंग पे वर्क किया जाता है वही वर्कडन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्प्रिंग में दो कांसेप्ट जानना जरूरी होता है कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म होता है जब तक स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ को चेंज नहीं करोगे और कंप्रेशन एक्सटेंशन से कभी नेचुरल लेंथ चेंज नहीं होता। नेचुरल लेंथ चेंज होता है स्प्रिंग के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से और स्प्रिंग को कट करने से। तो स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इस टॉपिक में नहीं पढ़ा जाता वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ते हैं तो उसमें स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं।
हाँ, स्प्रिंग को कट करना इस टॉपिक में पढ़ा जाता है। स्प्रिंग को दो पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, इक्वल पार्ट, अनइक्वल पार्ट, तो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कराता है। स्प्रिंग की एनर्जी एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, स्प्रिंग की एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इज कंप्रेशन आर एक्सटेंशन, पोटेंशियल एनर्जी। और एक्स में जो ग्राफ हमने प्लॉट कराया था, देखो यू के शेप में ग्राफ आया था, पैराबोलिक ग्राफ होता है। ये सब फिनिश हो गए थे। अब स्प्रिंग पे बस हम लोग को क्वेश्चन करना है बेटा, तो आओ स्प्रिंग पे अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्प्रिंग, देखो क्वेश्चन ऑन द स्प्रिंग। तो पहले कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन किए जाएं, फिर असाइनमेंट से भी अभी क्वेश्चन कराएंगे। इफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग इज यू फॉर एक्सटेंशन एक्स। एक्स एक्सटेंशन कराने में उसमें यू एनर्जी स्टोर हो रहा है। देन फाइंड आउट स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन दैट स्प्रिंग फॉर एक्सटेंशन एन एक्स। खास बात देख रहे हो, जो एक्सटेंशन है उसको एन टाइम्स क्या करना है, बढ़ाना है। पहले एक्सटेंशन कितना था एक्स, बाद में एक्सटेंशन एन टाइम्स बढ़ा देना है। तो अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो ऑप्शन लिखेगा कि अब एनर्जी हो जाएगा एन इंटू यू, एन टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर लिखेगा नहीं, यू अपान एन हो जाएगा। फिर लिखेगा एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। फिर लिखेगा नहीं, यू अपान एन स्क्वायर हो जाएगा। तो खास बात देख रहे हो, चूंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए पहले तो तुम एक्स स्क्वायर लिखोगे, या बाद में जब एन एक्स का स्क्वायर करोगे तो एन का स्क्वायर हो जाएगा और एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए सीधे दिख रहा है कि आंसर क्या होगा, बताओ, एन टाइम्स नहीं, एन स्क्वायर टाइम्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अब कब मान लो कह दे कि दो गुना बढ़ा दिया एक्सटेंशन, थ्री टाइम्स बढ़ा दिया, फोर टाइम्स बढ़ा दिया, तो डायरेक्ट एन स्क्वायर यू में रख करके बाद की एनर्जी तुम फाइंड भी कर सकते, मन में ही फाइंड कर दोगे। तो पहले इसके एनर्जी यू है, कितने एक्सटेंशन के लिए, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर एक्सटेंशन के लिए, तो बाद में एनर्जी यू डैश फाइंड करना है। हाफ के उतना ही रहेगा क्योंकि एक्सटेंशन से के चेंज नहीं होता, और ये हो गया है देखो एन टाइम्स। यहाँ पे अब एक्स के स्थान पे एन एक्स लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करो, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो। तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा यू डैश, हाफ के से हाफ के कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वन अपान एन स्क्वायर बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाद में एनर्जी पहले की एनर्जी का एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। देख रहे हो, ट्रिकी, एकदम ट्रिकी फॉर्मूला बन गया। अब कहते हैं कि बाद में एक्सटेंशन पहले का टू टाइम्स है, तो सीधे आंसर हो जाएगा फोर यू, थ्री टाइम्स है नाइन यू, फोर टाइम्स है सिक्सटीन यू। चाहो तो मन में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक बेटा, चलो मिटाते हैं और इस पर असाइनमेंट के फर्स्ट लेवल में कुछ क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व कराते हैं।
वर्क ऑन एजी असाइनमेंट का देखो फर्स्ट लेवल का सेकंड नंबर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर इज यू। देखो स्प्रिंग में कह रहा है कि स्प्रिंग में 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन कराने में स्टोर्ड एनर्जी यू है, तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस कराने में कितने एनर्जी स्टोर होगा। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस बाय 3 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स देन 3 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस कराने में कितनी एनर्जी होगा ये पूछ रहा है। तो इसको तो मन में सॉल्व कर दो ना, ऐसे क्वेश्चन मन में सॉल्व करना चाहिए, पेन ऑन नहीं उठाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो देखो दिया है 9U 3U U/3 U/9 आया समझ में। तो बताओ बेटा 1 सेंटीमीटर से तुमने 3 सेंटीमीटर कर दिया ना एक्सटेंशन, तो कितने टाइम्स एक्सटेंशन तुमने बढ़ाया, 3 टाइम्स। तो बाद की एनर्जी हो जाएगी यू डैश इक्वल टू एन स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू इनिशियल एनर्जी। तो बाद की एनर्जी हो जाएगा कितना, इनिशियल का 9 टाइम्स दैट इज 9U स्क्वायर पे जाएगा ना, एन स्क्वायर यू तो ये आएगा। थ्री नंबर क्वेश्चन, ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर। देखो 2 सेंटीमीटर जब एक्सटेंशन किया तो स्टोर्ड एनर्जी क्वेश्चन में दिए हैं यू, 2 सेंटीमीटर के लिए यू दिए हैं। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी वुड बी। अब कह रहे हैं पहले 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन था, अब कर दिया एक्सटेंशन, नाउ 10 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन अब कर दिया, तो अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर हुआ? ऑप्शन देखो दिया है U/25 U/5 5U 25U। तो अब देख रहे हो पहले एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर का है, बाद में कितना कर दिया 10 सेंटीमीटर। कितने टाइम्स ज्यादा एक्सटेंशन किया बेटा, 5 टाइम्स, 5 गुना एक्सटेंशन बढ़ा। देखो 2 से 10 हो गया यानी 5 गुना बढ़ा, तो n इजकल टू कितना हो गया बताओ, 5। n इजकल टू 5 हो गया, 5 गुना एक्सटेंशन बढ़ गया, इसलिए बाद में एक्सटेंशन हो गया n स्क्वायर u, तो n मतलब 5 का स्क्वायर इंटू यू, तो बाद में एक्सटेंशन हो गया 5 का स्क्वायर 25 इंटू यू, 25 गुना 25 टाइम्स एक्सटेंशन बढ़ गया ये। क्लियर? बड़े बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन ये सब होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहो तो मन में भी साल करके आंसर दे सकते हो। चलो कंप्लीट करते हैं, इसको मिटाते हैं और भी क्वेश्चन कराते हैं, खूब कराएंगे इस फ्रेम पे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से टच किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग वैरायटी का, वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग, वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग इज 10 जूल, फॉर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, समझो 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन स्प्रिंग को खींचने में वर्कडन 10 जूल का वर्डन हो रहा है, देखो 10 जूल, देन फाइंड आउट वर्कडन ऑन द वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग, वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग फॉर फर्दर 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन। सोचो क्वेश्चन, दो सेंटीमीटर एक्सटेंशन कराने में 10 जूल का वर्डन है, तो 2 सेंटीमीटर और एक्सटेंशन कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा? हम ऑप्शन लिख रहे हैं, आंसर सोचो क्या होगा, आंसर बताओ। 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल, सोचो, जो तुम सोचोगे वही आंसर यहां मौजूद है, जो सोचोगे आंसर मौजूद है, देख लो। कहोगे भाई 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन कराने में 10 जूल, तो फिर 2 सेंटीमीटर और एक्सटेंशन कराने तो फिर 10 जूल लगेगा, तो वो भी देखो है। कहो नहीं 2 गुना लगेगा, तो वो भी है। कहोगे नहीं 30 जूल लगेगा, वो भी है। कहोगे नहीं 4 गुना वर्डन होगा, देखो 40 जूल भी है। तो देखो बेटा, 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन कराने में अगर 10 जूल का वर्डन है, तो बाद में 2 सेंटीमीटर और एक्सटेंशन कराने में 10 ही जूल का वर्डन नहीं होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, बाद में अगर ये बताओ 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन है, तो बाद में अगर 2 सेंटीमीटर और तुमने एक्सटेंशन करा दिया, तो एक्सटेंशन तो डबल हो गया ना, तो डबल का स्क्वायर 4 गुना एनर्जी बढ़ेगा, 4 गुना यानी 10 जूल का 4 गुना कितने जूल, 40 जूल आंसर होना चाहिए, 40 जूल। लेकिन 40 जूल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां देखो ना क्या लिखा है, फर्दर, फर्दर मतलब 2 सेंटीमीटर के बाद अब 2 सेंटीमीटर और एक्सटेंशन कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो पूरा नहीं पूछ रहा है, बाद वाला 2 सेंटीमीटर का और पूछ रहा है, फर्दर वाला पूछ रहा है। तो बाद का टोटल वर्डन होगा 40 जूल, और शुरू में कितना था, 10 जूल, 40 में से 10 माइनस करोगे तब आंसर आएगा 30 जूल। एक झटके में गलत होता है, या तो 10 पे टिक लगा दोगे, या तो 20 पे टिक लगाओगे, नहीं कुछ करोगे तो 40 पे लगा दोगे, 30 को तो सोच भी नहीं करोगे। यह आंसर है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 जूल का वर्डन करना पड़ेगा। फर्दर पूछ रहा है, टोटल ही पूछ रहा है, टोटल पूछता तब तो 40 जूल होता, तो वर्डन होगा कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्डन है 10 जूल शुरू में, हाफ के एक्सटेंशन है 2 का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर देखो यहां आ गया, अब बाद में वर्डन डब्लू डैश टोटल, तो हाफ के और यहां हो जाएगा 2 पहले से, अब प्लस फिर 2 बाद में, देखो इसका स्क्वायर हो गया, तो यहां से आ गया, देख लो डिवाइड कर दो, तो आ गया 10 अपान डब्लू डैश, हाफ के से हाफ के कट गया, यहां आ गया 4 और यहां आ गया 4 का स्क्वायर 16,
ये आ गया 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बाद में टोटल वर्क डन आ गया 10 × 4 कितने जूल, 40 जूल का टोटल वर्क डन आ गया बाद में। टोटल वर्क डन है, फर्दर वाला नहीं है, लेकिन वो कौन सा पूछ रहा है, फर्दर 2 सेंटीमीटर का पूछ रहा है बेटा, डेल्टा डब्ल्यू पूछ रहा है। तो बाद के टोटल वर्क डन में से इनिशियल वर्क डन डब्ल्यू माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 40 − 10 इज इक्वल टू 30 जूल। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक झटके में गलत हो सकता है, नहीं ध्यान दोगे तो एक झटके में गलत हो जाएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, फर्दर पूछ रहा है, तो आंसर न 10 होगा न 20 होगा न 40 होगा, आंसर 30 होगा। 40 में से जब 10 माइनस करेंगे तो बाद वाला वर्डन आएगा, मतलब 30 जूल और ज्यादा वर्कन करना पड़ेगा तब जाके 40 जूल वर्डन होगा। तो ये आंसर है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन ये। अगेन अब देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें बनाता है स्प्रिंग पर, अभी क्वेश्चन हम कराएंगे उस पर। क्या करता है कि यहां पे एक स्मूथ सरफेस बना देता है, यहां एक रिजिड सपोर्ट बना देता है, इट इज रिजिड सपोर्ट और यह है स्मूथ सरफेस। ये पूरा सरफेस जो होता है स्मूथ होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। उसके बाद से यहां पे एक स्प्रिंग अटैच कर देगा, इस तरह से एक स्प्रिंग अटैच कर देगा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा, और इधर से एक ब्लॉक एम मास का ब्लॉक वी वेलोसिटी से मोशन करते हुए आएगा और इस पर टकराएगा। टकराएगा तो यह इसे कंप्रेस करता हुआ चला जाएगा। तो टकराने के बाद इसमें जो कंप्रेशन है वो कितने का है, एक्स का है। तो पूछेगा टकराने के बाद जब ये कंप्लीट टकरा गया, इस पर मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, तो उस समय बताओ कितना कंप्रेशन हुआ, या क्या इसका के है, या क्या इसकी वेलोसिटी है। देख रहे हो, इन्हें एक ब्लॉक आकर के स्प्रिंग पे टकराता है, और तब तक वो टकराता रहेगा जब तक ब्लॉक की अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो जाए। ब्लॉक जब तक रेस्ट में हो जाए तब तक वो कंप्रेस करता रहेगा किसको, स्प्रिंग को। तो ऐसे क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन चलता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। देखो इसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी नहीं है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे कंप्रेस होता जाएगा इसमें पर्सनल एनर्जी आता जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तब तक वो कंप्रेस करता रहेगा जब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बराबर स्टोर्ड पर्सनल एनर्जी इन स्प्रिंग, आया समझ में। तो हियर बाई एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ये बराबर कर दिया जाता है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन
स्प्रिंग, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक में? हाफ एम वी स्क्वायर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो इसको बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब जो फाइंड करना फाइंड करो ना, ब्लॉक की वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी फाइंड कर लो, इसका के पूछेगा तो के फाइंड कर लो, ब्लॉक का मास कुछ भी पूछ सकता है। देखो हाफ साफ कट गया तो आ गया एम बी स्क्वायर इजकल टू के एक्स स्क्वायर। अब अगर वेलोसिटी पूछा तो वी स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर बाई एम, तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स रूट ओवर के बाई एम। देख लो ये आ गया ब्लॉक की वेलोसिटी। मास पूछेगा ब्लॉक का तो के एक्स स्क्वायर अपान वी स्क्वायर से ब्लॉक का मास आ जाएगा। कंप्रेशन पूछेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाई के, वी बाहर आ गया, वी रूट ओवर एम बाई के, देखो कंप्रेशन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, पूरा पूरा एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमने बतला दिया, अब आओ इस असाइनमेंट से इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 17 डायग्राम बना दे रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। देख लो ये रिजिड सपोर्ट है, ये स्मूथ सरफेस है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक स्प्रिंग है। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, तुमको क्वेश्चन पढ़ने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, हम सब लिख दे रहे हैं। और यहां पे एक ब्लॉक, इधर से एक बॉडी इस तरह से मोशन करते हुए आता है, इधर से देखो मोशन करते हुए आ रहा है। इसका मास दिया है 0.5 केजी और के दिया है 50 न्यूटन पर मीटर का के दिया है। वेलोसिटी दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, मतलब जब ये टकरा रहा है तो कितने का ये कंप्रेशन क्रिएट करेगा ये पूछ रहा है। जब टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अब तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन भी देखो लिख दिया, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, ट्राई करो रफ कॉपी निकाल के। कंप्रेशन इज 0.5 मीटर, 0.15 मीटर, 0.12 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो क्या करेंगे बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन, ब्लॉक की एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, ये कन्वर्ट होगा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, एक्स पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई के, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वी रूट ओवर एम अपान के। क्लियर हुआ? तो कंप्रेशन पूछ रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी देखो दिया है 1.5, मास दिया है 0.5, के का वैल्यू 50
ये आ गया 1.5, 5/500 ऐसा लिख सकते हो। देख लो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 से, तो ये आ गया 1.5 रूट ओवर 1/100। ये आ गया 1.5/10, 0.15 मीटर का कंप्रेशन है, तो इतने का कंप्रेशन क्रिएट हुआ। तो बड़ा आसान होता है क्वेश्चन और बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जब कोई बॉडी किसी स्प्रिंग से टकराएगा तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है बेटा, तो देखा जाए तो वर्क पावर एनर्जी टॉपिक में हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेन वाला क्वेश्चन कराए थे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब बता दिया। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज कई क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया। अब तुम देखना अगले लेक्चर में भी स्प्रिंग पे ही जबरदस्त क्वेश्चन अभी कराएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। आज हमने बेसिक क्वेश्चन कराया है। ठीक बेटा, तो अगले वीडियो लेक्चर में और भी हम इस पे क्वेश्चन कराने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।